विज्ञापन लेखन। पहले का सेशन में हमने आपको जानकारी दिया था विज्ञापन लेखन यानी क्या होता है। विज्ञापन लेखन बहुत ही सरल लेखन होता है जो हमें निर्माताओं ने जो वस्तु का निर्माण किया है वो लोगों तक उनका जानकारी पहुंचाना। आज का सेशन भी बहुत मजेदार है विज्ञापन लेखन, और नवीं कक्षा के लिए आपको 5 अंक के लिए पूछा जाता है। जब तक हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, निर्माण करने के बाद में लोगों तक वो वस्तु की जानकारी किसी विज्ञापन लेखन से हम करते हैं या विज्ञापन देकर हम करते हैं तो उसे विज्ञापन लेखन कहते हैं। हम बाजार में अनेक वस्तु देखते हैं, बाजार में हम अनेक तरह के विज्ञापन देखते हैं जो बैनर में छपे होते हैं या रेडियो पे बताते हैं या टीवी पे हम देखते हैं। तो विज्ञापन यानी वस्तु के बारे में जानकारी देना और लोगों को उस वस्तु के बारे में जानकारी मिलना, तभी क्या करेंगे विज्ञापन के द्वारा लोग वो वस्तु का खरीदी करेंगे, विक्री करेंगे और जो निर्माता है उनको नफा मिलेगा। तो विज्ञापन लेखनी एक शैली है, भाषा है, और शैली और भाषा हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है। इसके पहले मैंने आपको बोला था कि विज्ञापन लेखन किस तरह से लिखना चाहिए, प्रारूप क्या होना चाहिए, उसका ही दोहरा विवरण मैं आज आपको करने वाला हूँ। और आज का दोहरा विवरण करने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा और 5 में से 5 अंक आप विज्ञापन लेखन में आसानी से नवीं के परीक्षा में आप ले पाएंगे। वही विज्ञापन लेखन आपको 10वीं के कक्षा में भी है। तो देखते हैं विज्ञापन लेखन के बारे में। वी यानी विशेष होता है, ज्ञापन यानी किसी व्यक्ति को दिया गया जानकारी, उसे विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन को हम मराठी में जाहिरात भी कहते हैं। आपको मराठी में भी होगा जाहिरात लेखन, तो इसी का प्रारूप हिंदी में विज्ञापन लेखन है और इसे हम इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। एडवर्टाइजमेंट, जैसे हम कुछ सीरियल देखते हैं, कुछ पिक्चर देखते हैं, बीच में एडवर्टाइजमेंट लग जाती है तो हम क्या कहते हैं, अभी कुछ तो भी एड लगे है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एड लगे है। तो कोई बोलते क्या लगे, तो हम बोलते ऐड लगे, अभी जाहिरात लगे। तो हम क्या करते, सीरियल होने के बाद में कुछ रिलैक्स के लिए ऐड लगती है तो हम क्या करते, कुछ कुछ ऐड ऐसे हमें बहुत अच्छी लगती है तो हम देखते रहते हैं और उसके वस्तु के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जब वो ऐड वाले जब ऐड बताते हैं, जैसे कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताते थे, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हमें मिलती है, वो ऐड के बारे में, उस प्रोडक्ट के वस्तु के बारे में हमें मालूमात होती है कि ये वस्तु का नाम क्या है, इस वस्तु का उपयोग क्या होता है, ये ऐड के द्वारा हमें जानकारी मिलती है। तो बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 9वीं हिंदी और आज का विषय उपायोजित लेखन में विज्ञापन लेखन। और विज्ञापन लेखन आपको 5 अंक के लिए पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 आ के लिए विज्ञापन लेखन का प्रश्न होता है। और इसके पहले आपको जानकारी मालूम है कि विज्ञापन लेखन एक भाषा है, कला है, और जैसी हमें कला आती है उस कला के अनुसार हमें विज्ञापन लेखन लिखना होता है। जैसे आपको कुछ वस्तु का नाम दिया है, जैसे छतरी, तो आपके नजर में ध्यान में आ जाता है कि छतरी के बारे में हमें विज्ञापन तैयार करना है, तो उस वस्तु के बारे में ही हमें उस विज्ञापन में लिखना होता है। जैसे छतरी दिया है, रंग बिरंगी छतरी, जैसे छतरी बोलते हैं हमें लाइट लग जाता दिमाग में कि छतरी कब काम आती है, छतरी हमें ज्यादा से ज्यादा बारिश में काम आती है। तो विज्ञापन में हमें कुछ दिमाग लगाना, कुछ ये लगाना कि छतरी दिया है उसका चित्र हमें अपने आंखों के सामने रखना है। उसके बाद में छतरी का उपयोग क्या होता है ये भी हमें ध्यान में रखना है। छतरी का उपयोग हमें बारिश में ज्यादा से ज्यादा होता है। और जब हम विज्ञापन लिखते हैं तो उसमें रंग बिरंगे छतरी ऐसा कुछ क्या कर सकते हैं, शब्द लिख सकते हैं। जैसे आपको दिया था चौकट में,
उसमें कलर में हम ये कर सकते हैं छतरी को, विज्ञापन में हम कलर कलर वाली छतरी चित्र लगा बना सकते हैं। उसके बाद में हम दो छतरी लेने पर एक छतरी फ्री, हमारा पता भी डालना बहुत ही जरूरी होता है, उसके बाद में मोबाइल ईमेल आईडी, तो ये सब हमें क्या ध्यान में रखना पड़ता है कि हमें विज्ञापन किस तरह से बनाना है। जैसे आप टीवी में देखते हैं हर तरह के हमें विज्ञापन दिखता है, तो विज्ञापन जो बनाता है और जो विज्ञापन के लिए जो ये करता है तो उनको वैसे बोला जाता है कि इस तरह से हमें विज्ञापन बनाया है, उस तरह से आपको एक्टिंग करना है। क्योंकि जैसे ही हमें जिस तरह से विज्ञापन या कुछ विज्ञापन एडवर्टाइज में हमें कुछ नया दिखता है तो वो वस्तु के बारे में हम ज्यादा क्या होते हैं ये हो जाते हैं, खुश होते हैं और ज्यादा से ज्यादा वो वस्तु लेने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारी कला विज्ञापन की वो बहुत अच्छी होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस वस्तु में क्या होना चाहिए, ललचाना चाहिए। तो विज्ञापन लेखनी एक कला है, एक भाषा है, जिस तरह से आप अच्छी तरह से विज्ञापन लेखन लिखेंगे उस तरह से आपको अच्छे मार्क मिलेंगे। आगे जाके आप विज्ञापन लेखन के लिए भी कोई स्पॉन्सर रहता है, एकादी कंपनी है, कंपनी ने कुछ वस्तु का निर्माण किया और किसी को लगता है कि आप अच्छी तरह से विज्ञापन लेखन लिख सकते हैं, तो आपके विज्ञापन लेखन को एक एक लाख, दस दस लाख रुपए, आपके जैसा विज्ञापन है वैसे आपके विज्ञापन ये लेते हैं और वो ये करते हैं। तो विज्ञापन लेखन कला है और ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन किस तरह से आपको लिखना है ये भी समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे आपने एकादि विज्ञापन तैयार किया या जाहिरात तैयार की, एकादि कंपनी ने आपका विज्ञापन लिया और विज्ञापन बहुत अच्छा लगा और जो कंपनी उसकी जो वस्तु है ज्यादा से ज्यादा खरीदी हुई, तो दूसरा ही कंपनी वाला आपको ही ये करेंगे कि हमारे लिए ये वस्तु के लिए विज्ञापन बनाओ। जैसे जैसे आप भाषा कला अच्छी तरह से विज्ञापन बनाएंगे, ये है बाहर की बात बता रहा हूँ, बनाएंगे उससे ज्यादा ज्यादा आपका भी जो है विज्ञापन लेखन करना ये करना आपकी कला को भी ज्यादा से ज्यादा पैसा और सम्मान मिलेगा। परंतु हमें बाहर का दुनिया की नहीं देखनी, हमारे स्कूल में प्रश्न में जो विज्ञापन लेखन आता है उसे किस तरह से लिखना है, किस तरह से भाषा का यूज करना है और जो वस्तु दिए है उस वस्तु का हमें किस तरह से विश्लेषण करना है ये भी महत्वपूर्ण होता है। जितना अच्छा आप विज्ञापन लेखन बनाएंगे तैयार करेंगे उतना आपके परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा अंक आप पा सकेंगे। मैंने आपको बोला था कि विज्ञापन, और हम दोबारा इसके बारे में कर रहे हैं, विज्ञापन की परिभाषा क्या होती है थोड़ा सा और हम जान लेंगे और अभी आप परफेक्ट हो जाएंगे तो दसवीं दसवीं में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विज्ञापन टीचर ने आपको दिया कि एक वस्तु के बारे में आपको विज्ञापन तैयार करना है, आपको क्लिक हो जाएंगे। आपकी स्कूल के बारे में आपको विज्ञापन तैयार करना है, फिर स्कूल है तो स्कूल में आपको ध्यान में रखना है कि स्कूल के बारे में हमें कैसे विज्ञापन हमें लिखेंगे कि हमारे सरकारी स्कूल है बृहन्मुंबई महानगर पालिका, हमारे स्कूल में मिलता है मुफ्त वस्तु, 27 वस्तु मिलता है। उस प्रकार से अच्छे जो शिक्षक है अनुभव शिक्षक हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं, सभी तरह की जानकारी देते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, ये जो चीज हमें ध्यान में रखना है कि जो वस्तु के बारे में हमें विज्ञापन बोला है तो उस वस्तु के बारे में ही हमें अच्छी तरह से वैशिष्ट्य उस विज्ञापन में बताना है। जितने हम वैशिष्ट्य विज्ञापन में लिखेंगे, जितनी अच्छी कला हम विज्ञापन में देंगे उतना अच्छा हमारा विज्ञापन होगा। तो बहुत सी थोड़ी थोड़ी कला जानकारी जैसे जैसे हम न्यूज़पेपर में देखते हैं अनेक प्रकार के हमें विज्ञापन दिखते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन का मुथूट फाइनेंस वाला, जैसे सोना दो सोना लो, सोने के बदले में पैसे लो, ऐसे कुछ विज्ञापन देते हैं। जैसे अभी ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक में जो तलवारबाजी में जो महिला थी उन्होंने सुवर्ण ये किया था, यानी सोने का मेडल उनको मिला था, तो उन्होंने क्या बताया था कि मेरी मम्मी की परिस्थिति जो तलवारबाजी में जो ये लगता है वो लेने के लिए ये नहीं थी, मेरे मम्मी ने सोना दिया
और मैंने जब ओलंपिक में ए किया तो सोने के बदले में सोना हासिल किया। ऐसे कुछ शब्द रहते हैं जिससे क्या होता है, हमें प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे भी हम विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। ये हो गया टीवी की बात, परंतु हमें किताबों में किस तरह से विज्ञापन लिखना है ये भी हमें जानकारी होना चाहिए। विज्ञापन विक्रय कला का एक नियंत्रित जनसंचार माध्यम है। जिस तरह से हम विज्ञापन करेंगे, जिस तरह से हम विज्ञापन की जानकारी लोगों को देंगे, उस तरह से हमारा ही जो प्रोडक्ट है उससे ज्यादा से ज्यादा विक्रय होगा। तो विज्ञापन ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहीं पे जहां पे हम जाते हैं तो विज्ञापन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे हमारे हम दुकान है, दुकान का हमने उद्घाटन किया, जो पैम्पर आते हैं दुकान के उद्घाटन के बाद में, वहां पे लिखा जाता है कि नया शुभारंभ। जैसे होलसेल किराना होगा तो हमारे यहाँ पे कम दाम में वस्तु मिलेगी, नीचे में पता दिया रहता है, मोबाइल नंबर दिया रहता है, एक बार अवश्य पधारे। ऐसे कुछ हम अच्छे शब्द वहां पे लिखेंगे तो उससे ज्यादा से ज्यादा हमारा जो विक्रय है ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए विज्ञापन बहुत ही महत्वपूर्ण है कोई भी वस्तु का हमें विक्रय करने के लिए। ये विज्ञापन बहुत ही महत्वपूर्ण जन संचार माध्यम है। विज्ञापन किसी वस्तु के कई विक्रय से संबंधित जानकारी प्रदान करने का व लोगों का ध्यान उस वस्तु की ओर आकर्षित करने का सशक्त माध्यम है। विज्ञापन हम तैयार करते हैं, रेडियो पे सुनते हैं, मोबाइल पे हम विज्ञापन देखते हैं, या इंटरनेट के माध्यम से हम कंप्यूटर में विज्ञापन देखते हैं, या किसी भी माध्यम जो है इसमें विज्ञापन देखते हैं या सुनते हैं। तो ये माध्यम क्या है, क्रय विक्रय संबंधित जानकारी प्रदान करने का। उससे हमारी जानकारी मिलती है उस वस्तु के बारे में, खरीदी बिक्री के बारे में, और लोगों का ध्यान उन वस्तु की ओर आकर्षित करने का जो माध्यम होता है वो विज्ञापन होता है। विज्ञापन के माध्यम से हम वस्तु की ज्यादा से ज्यादा क्रय विक्रय और संबंधित वस्तु के बारे में हम लोगों को जानकारी पहुंचा सकते हैं। और उसके माध्यम भी आपको बोला है मैंने, मोबाइल के माध्यम से जब आप यूट्यूब या कोई भी चैनल ये करते तो बीच में एडवर्टाइजमेंट दिखाते, तो एडवर्टाइजमेंट ये है कि उस वस्तु के बारे में आपको जानकारी देना है, क्रय विक्रय के बारे में बताना है, लोगों को ये करना है, जागरूक करना है इस विज्ञापन के माध्यम से। दूसरा जो ये आता है माध्यम, रेडियो है। रेडियो में भी हम सुनते हैं अनेक अनेक वस्तु के बारे में विज्ञापन की जानकारी। उसके बाद में वर्तमान पत्र भी है। वर्तमान पत्र में देखो फ्रंट पेज पे ही आपको कोई ना कोई नए इसका भी विज्ञापन हमें दिखाई देता है। जैसे 10वीं की परीक्षा खत्म होने जाने दो तो नए ट्यूशन वाले देखो फ्रंट पेज पे ही, महाराष्ट्र में ये लड़का प्रथम आया हमारे ट्यूशन क्लासेस से। तो वो विज्ञापन के माध्यम से हमें क्या होता है कि ये बच्चे ने 99.6% लाया ये ट्यूशन से, हमें उसी ट्यूशन पे डालना होगा कि हमारा बच्चा भी 99.6% उसी ट्यूशन से ला पाएगा। वो भी बताते हैं हमारे इधर 24 तास लाइब्रेरी की सेवा रहती है, बच्चों को पूरा ध्यान दिया जाता है, ट्यूशन में हर इस पे विषय के पार्ट पर ध्यान दिया जाता है, अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। हर कुछ वैशिष्ट हमें विज्ञापन में लिखना होता है कि जिस तरह से वो क्या होना चाहिए उस विज्ञापन देखते ही समझना चाहिए। तो ये बातें हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि हमें कुछ कला कौशल्य कुछ ये अच्छी तरह से लिखेंगे, उस तरह से विज्ञापन हमारा क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से बनेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है अभी भी, आज के लिए भी, आप 10वीं होने के बाद में भी, परंतु ये बात कभी भी आपको विज्ञापन के बारे में कुछ ऐसा आया तो आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे। बहुत ही ईजी है, एक बार ध्यान में समझना चाहिए। एक बार समझ गया तो आपको विज्ञापन लेखन कोई भी तकलीफ नहीं होगी। सिर्फ ध्यान देना है कि ये वस्तु हमें विज्ञापन में बताया है तो इस वस्तु की क्या वैशिष्ट्य है, इस वस्तु के बारे में क्या लिखना है, और एक दो स्लोगन भी लिख सकते, एक बार अवश्य पधारो, पता लिखो, मोबाइल नंबर लिखो, बहुत ही ईजी प्रारूप है। और 50 और 60 शब्द में हमें विज्ञापन लिखना है। जैसे मराठी में भी आपको विज्ञापन आपके टीचर बताएंगे तो ये तीन ही इसमें सही एक ही प्रारूप होने के कारण विज्ञापन आपको लिखने में बहुत कठिन नहीं होगा।
तो विज्ञापन की परिभाषा, विज्ञापन शब्द वी प्लस ज्ञापन दो शब्दों के मिलकर बना है। ज्ञापन वी यानी विशेष और ज्ञापन यानी क्या होता है, इसका अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। तो जब भी हम विज्ञापन बनाते हैं तो उसका भी सार्वजनिक सूचना विभाग रहता है, प्रसार माध्यम रहता है, जो मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालय सूचना के माध्यम से ही प्रकाशित होता है। आप एखादी वस्तु तैयार की है, उस वस्तु का महत्व क्या है, उस वस्तु कितने दिन चलने वाली है, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये सभी जानकारी जब हम विज्ञापन तैयार करते हैं, मैं थोड़ी सी आपको जनरल बात बता रहा हूँ, जब हम विज्ञापन तैयार करते तो उसके बारे में सभी जानकारी हमें प्रसार माध्यम का जो एक विभाग रहता है वहीं पे ये जानकारी आपको बताना पड़ता है। और उसी वस्तु के बारे में जब हम विशेष सूचना यानी जानकारी बताते थे, उसका पूरा जनरल नॉलेज उनको बताना, तभी विज्ञापन हमारा पास होता है, तभी हम प्रकाशित कर सकते हैं। एक सार्वजनिक सूचना होती है और सार्वजनिक मंत्रालय द्वारा ही, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा उनके सामने आपको वो प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ता है, प्रोडक्ट अच्छा रहा तब जानकारी बताना, और जब उनके हाथ में पात्र है ये प्रोडक्ट, तभी हम विज्ञापन और वो जो वस्तु है हम क्या कर सकते हैं, बाजार में बिक सकते हैं। ये कुछ नियम रहते हैं वस्तु बेचने के, परंतु ये जनरल नॉलेज का विषय है, हमें उसे कुछ ये नहीं है। परंतु जब भी हमें विज्ञापन आता है तो उस विज्ञापन किस तरह से लिखना है और परिभाषा क्या है, ये भी हमें जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। विज्ञापन ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने, वस्तु को बेचने का एक माध्यम है। जिस तरह से ज्यादा आप अच्छी विज्ञापन लिखेंगे, ग्राहक क्या हो जाएंगे, उस वस्तु को ज्यादा से ज्यादा खरीदी करेंगे। जैसे एक गाना था शाहरुख खान का, उसमें बोला है कि नए पॉकेट में आपको मिलती है चीज पुरानी। तो जितना आप पॉकेट बाहर से अच्छी तरह से सजाएंगे, परंतु अंदर में जो चीज है वो लोग नहीं देखते, परंतु पॉकेट देखता है कि बाहर से कितना अच्छा सजाया है। वो पॉकेट पे ही लोग ललचाते हैं और वो वस्तु क्या करते हैं, लेते हैं। तो उसी तरह से आपको भी एक कला दिखाना है विज्ञापन लेखन में, हमें अच्छी तरह से वो विज्ञापन बनाना है जो लोग क्या होना चाहिए, ललचाना चाहिए। और आपको अच्छी तरह से लिखना है कि जो टीचर आपके भी खुश होना चाहिए और आपको 5 में से 5 अंक मिलना चाहिए। तो इस तरह से विज्ञापन लिखना है, ध्यान में रखना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, तर्क लगाने की इस वस्तु के बारे में इस तरह से हमें विज्ञापन लिखना है। दूसरे शब्दों में, किसी उत्पादन के क्रय अथवा कोई सेवा प्रदान करते के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहता है। जो संचार है, जनसंचार है, लोगों को माध्यम देने वाला, विशेष सूचना देने वाला जो माध्यम है, उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञापन कहते हैं। ये हो गए विज्ञापन की परिभाषा यानी व्याख्या। और कोई भी लेखन रहो या कोई ये रहो, उसका भेद रहो, उसके क्या रहती है, परिभाषा दी जाती है। हमने अभी तक परिभाषा देखी, विज्ञापन के प्रकार भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो औद्योगिक विज्ञापन है, ये बड़े इंडस्ट्रियल के लिए होते हैं। जैसे बड़े बड़े विमान कंपनियां है, औद्योगिक इंडस्ट्री, जैसे जैसे बड़े बड़े जिनका, जैसे कार का औद्योगिक ये है, तो बड़े बड़े इसके लिए भी औद्योगिक विज्ञापन दिए जाते हैं। परंतु इतने उसमें कैसा है, जैसे औद्योगिक विज्ञापन का कच्चा माल, उपकरण आदि की क्रय में वृद्धि के उद्देश्य से प्रकाशित की जाती है। इस तरह के विज्ञापन प्रमुख रूप से औद्योगिक प्रक्रियाओं में प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकार के विज्ञापन का प्रमुख उद्देश्य सामान्य व्यक्तियों को नहीं, वरना औद्योगिक क्षेत्र के संबंधित व्यक्तियों को, प्रतिष्ठानों तथा निर्माताओं को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। औद्योगिक विज्ञापन में क्या होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल रहता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल में क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो बड़े प्रोडक्ट रहते हैं उनका ही विज्ञापन किया जाता है। जैसे कार है, और इस कार के लिए बड़े से स्पॉन्सर जो रहते हैं, वो स्पॉन्सर क्या करते हैं, उनको आवेदन देते हैं। तो ये हो गया औद्योगिक विज्ञापन, जिसमें बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े वस्तुएं, इनका विज्ञापन किया जाता है और बड़े बड़े कीमतों में उसका क्या हो जाता है, डील होती है, उसे औद्योगिक विज्ञापन कहते हैं।
जैसे आता है दूसरा स्थानीय विज्ञापन। स्थानीय यानी हमारे देश, हमारे जगह, हमारा शहर, हमारे गांव में जो विज्ञापन के लिए विज्ञापन हमें देते हैं उसे स्थानीय विज्ञापन कहते हैं। इनका प्रसार क्षेत्र अपेक्षाकृत बहुत ही छोटा होता है और ये स्थानीय स्तर पर उत्पादन की बिक्री को बढ़ाने के काम आते हैं। स्थानीय गांव है, शहर है, जिला है, राज्य है, इस स्थानीय क्षेत्र में ही इस विज्ञापन की क्या हो जाती है, बिक्री हो जाती है, इसीलिए इसे स्थानीय विज्ञापन कहा जाता है। इनका प्रसारण स्थानीय पत्र, रेडियो, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर, स्लाइड और आदि के द्वारा होता है। स्थानीय विज्ञापन हम देखते हैं जैसे कोई सीरियल लगती है, सीरियल लगने के बाद में जो हमें विज्ञापन देखने के लिए मिलता है, जैसे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो स्थानीय विज्ञापन रहते हैं। और उसके माध्यम भी हमें है, रेडियो है, टीवी है, केबल नेटवर्क है, इस नेटवर्क के माध्यम से हम विज्ञापन देख सकते हैं। तो इस स्थानीय विज्ञापन का महत्व आपको बताया कि उस स्थानीय विज्ञापन का महत्व गांव, शहर, जिला, राज्य, देश यही तक के महत्वपूर्ण संबंधित रहता है। जो भी वस्तु का निर्माण होता है उस वस्तु का विज्ञापन स्थानीय विज्ञापन कहलाता है। तीसरा आता है राष्ट्रीय विज्ञापन। इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैंने जानकारी दिया था कि राष्ट्रीय विज्ञापन यानी क्या होता है, कि राष्ट्रीय विज्ञापन ऐसा होता है कि जिसमें सरकार का कुछ सूचना रहती है, अधिकार रहता है, उसे कहते हैं राष्ट्रीय विज्ञापन। जैसे कुछ सौंदर्य के बारे में भी हम राष्ट्रीय विज्ञापन कह सकते हैं, कुछ घरेलू उपकरण के बारे में भी हम राष्ट्रीय विज्ञापन को देख सकते हैं, या मोबाइल सेवा आदि के बारे में हम राष्ट्रीय विज्ञापन का स्तर किया जाता है। और कुछ सरकार, भारत सरकार द्वारा निर्मित ऐसे कुछ भी विज्ञापन हम बना सकते हैं। जैसे अभी एक साल पहले मार्च महीने में जो पेंडेमिक सिचुएशन आई थी, कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस के वजह क्या है, क्यों कोरोना वायरस कहाँ से आया, इसके बारे में सरकार हमें हर दिन कुछ ना कुछ जानकारी देते थे या विज्ञापन में हमें बताते थे। तो उसमें सूचना भी देते थे, भारत सरकार द्वारा जारी सूचना भी देते थे कि आप घर से बाहर मत जाओ, और कुछ काम रहा तभी घर से बाहर जाओ, घर में रहो, सुरक्षित रहो, अपना फैमिली का, कुटुंब का ध्यान रखो, ये कुछ विज्ञापन रहता है। जो आपत्ति आती है उस आपत्ति में लोगों को सूचना देना, जाहिर सूचना करना, इसे भी विज्ञापन कहते हैं। क्योंकि जो भी कुछ आपत्ति आती है तो हम क्या उस विज्ञापन के द्वारा लोगों को जानकारी समझाना, ये भी भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। ये भी एक विज्ञापन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है जब आपत्ति आती है। तो हम भी देखते थे टीवी में जो विज्ञापन आते थे तो उसके बारे में बोलते थे कि दो गज की दूरी रखो, छींकते समय रुमाल हाथ में रखो, सैनिटाइजर से हाथ धोना चाहिए। तो ये सब जानकारी भारत सरकार सूचना मंत्रालय द्वारा हमें विज्ञापन के द्वारा जानकारी मिलती थी। ये भी जानकारी आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। औद्योगिक जो विज्ञापन रहते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल के रहते हैं, राष्ट्रीय स्थानिक विज्ञापन रहते हैं, हमारे स्थानिक विज्ञापन के लिए रहते हैं, और राष्ट्रीय विज्ञापन रहते हैं वो क्या रहते हैं, जैसे राष्ट्रीय विज्ञापन किसी उत्पादन या सेवा का राष्ट्रीय स्तर बढ़ाने के लिए विज्ञापन किया जाता है, ये तीन विज्ञापन रहते हैं। परंतु परीक्षा में आपको ज्यादा से जानकारी दिया, परंतु परीक्षा में हमें ज्यादा से ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न पूछे जाते हैं विज्ञापन के, हमें ज्यादा से ज्यादा यही तीन भेद जानना जरूरी है कि विज्ञापन के तीन भेद होते हैं। पहला होता है वस्तु संबंधी विज्ञापन, सेवा संबंधी विज्ञापन, और जो तीसरा जो रहता है, जो हम कहीं नौकरी पे विज्ञापन निकालते हैं, कोई संस्था जिनको चाहिए, तो दूसरा होता है स्थान संबंधी, और तीसरा होता है व्यक्ति संबंधी। ये तीन विज्ञापन हमें जानना बहुत ही जरूरी होते, वस्तु संबंधी विज्ञापन, व्यक्ति संबंधी विज्ञापन और स्थान संबंधी विज्ञापन, और यही विज्ञापन हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे वस्तु बोले तो हर प्रकार
की वस्तु का निर्माण हमारे भारत देश में होता है और जिसका उपयोग हमें हर दिन में उपयोग होता है। जैसे हर दिन हमें किस वस्तु का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होता है? सवेरे हम उठते हैं, ब्रश करते कोलगेट, उसका उपयोग होता है। नहाते तेल का उपयोग होता है, साबुन का उपयोग होता है। और खाना खाते तो अलग अलग वस्तु का हमें उपयोग होता है। ये सब वस्तु की जानकारी हमें विज्ञापन के द्वारा मिलती है। उस विज्ञापन हम बनाते देखते और उस वस्तु का हम क्या करते विक्रय करते हैं। तो वस्तु संबंधी जो विज्ञापन करते हैं उसे वस्तु संबंधी विज्ञापन कहते हैं। और यही प्रश्न आपको एग्जाम में प्रश्न तालिका में पूछे जाते हैं। दूसरा जो विज्ञापन के बारे में मैं आपको जानकारी बता रहा हूं कि दूसरा जो रहता है व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। आप बोल रहे हैं व्यक्ति संबंधी विज्ञापन यानी क्या होता है? व्यक्ति संबंधी विज्ञापन यानी ये होता है कि बड़े बड़े संस्था है, बड़े बड़े कुछ घरेलू काम है, कुछ कारखानों में काम है, तो उस पात्रता के अनुसार उस कंपनी के जो मैनेजर डायरेक्टर रहते हैं अपने कंपनी में लोगों को काम देना, उसे व्यक्ति संबंधी विज्ञापन कहते हैं। जैसे एक एटीएम हम देखते हैं, एटीएम में हमें किसी सिक्योरिटी गार्ड चाहिए देखभाल करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, लोगों को मालूम रहेगा कि इस एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, हम क्या करेंगे जाहिरात देंगे, जाहिरात बनाएंगे कि ये एटीएम के लिए हमें सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, उसकी उम्र 18 से 25 साल होना चाहिए, उसे मराठी हिंदी इंग्लिश लिखना आना चाहिए, उस पात्र के अनुसार उस सिक्योरिटी गार्ड के लिए 10वीं पास होना चाहिए, उस 10वीं पास की हमें पात्रता लिखना होना चाहिए, उसे मराठी हिंदी इंग्लिश आना चाहिए, ये भी हमें देखना चाहिए, वैसे पात्रता हमें लिखना भी चाहिए जब हम विज्ञापन लिखते हैं। और सबसे पहले ऊपर में लिखते हैं प्रारूप पाइजे, SBI ATM कार्ड के लिए हमें ATM इसके लिए देखभाल के लिए हमें एक सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता है, पात्रता 10वीं पास, मराठी हिंदी इंग्लिश बोलना चाहिए, और वेतन भी हमें लिखना चाहिए, 20 से 25 हजार रुपये महीने का वेतन मिलेगा। समय भी हमें लिखना चाहिए कि सवेरे 8 से रात 8 बजे तक वो क्या करेगा, उस ATM की सुरक्षा करेगा। ऐसे हमें क्या करना है, जैसे पात्रता बोलते उस पात्रता के अनुसार हमें विज्ञापन लिखना होना चाहिए। जैसे किसी कंपनी में इंजीनियर होना, वो काम के लिए, जब तक वो कंपनी में इंजीनियर काम के लिए चाहिए तो क्या करेगा, जो डायरेक्ट कंपनी का जो मालिक है वो सबसे पहले विज्ञापन वाले को बोलेगा कि हमें विज्ञापन तैयार करना है और छपाना है न्यूज़पेपर में। तो उसके बारे में जो विज्ञापन तैयार करने वाले विज्ञापन तैयार करेंगे, इंजीनियर के लिए पदवी क्या होता है कि उसने इंजीनियर की पदवी प्राप्त करना चाहिए, उसका इंजीनियर का ज्ञान होना चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए, और उसकी तनख्वाह इतनी से इतनी रहेंगी। संपर्क के लिए हम पता देंगे, कंपनी का मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे, इस तरह से हम प्रारूप लिखेंगे। जैसे पात्रता होंगी उस तरह से उस व्यक्ति की हम पात्रता वहां पे हमें लिखना होना चाहिए। ये हो गया व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। तीसरा जो विज्ञापन रहता है वो रहता है स्थल संबंधी विज्ञापन। स्थल यानी क्या होता है, बड़े बड़े ठिकान होते हैं, जैसे बड़े बड़ी जगह रहती है, वो क्या करते हैं, कोई लोग बेचते हैं, तो बेचने के लिए क्या करते हैं, विज्ञापन द्वारा विज्ञापन लिखते हैं और प्रकाशित करते हैं न्यूज़पेपर में। जैसे खेती है, खेती बेचना है, तो हमारी खेती सड़क के किनारे है, रोड के बाईपास है, और खेती की कीमत इतनी है, जो भी इच्छुक है संपर्क करे पता। कुछ दुकान है, दुकान के बारे में भी, स्थल के बारे में हमें बेचना है तो उसके बारे में भी हम विज्ञापन लिख सकते, बोल सकते हैं कि हमारा दुकान है, यहाँ पे पता है और इतने में बेचना है। इस तरह से हमें उस चीज के बारे में जैसे जानकारी मिलती है उस तरह से हमें विज्ञापन में लिखना होता है। उस तरह से जिसको भी मालूम होता है वो ग्राहक को सूचना, जिनको मालूम होता है उस सूचना के अनुसार वो ग्राहक उन मालिक की तरफ जाता है और पूछताछ करता है।
ये हो गया विज्ञापन के प्रकार हुए हैं। और ज्यादा से ज्यादा आपको तीन ही भेद के विज्ञापन पूछे जाते हैं। पहला जो भेद है व्यक्ति विज्ञापन, व्यक्ति विज्ञापन, दूसरा वस्तु विज्ञापन और तीसरा स्थल के बारे में विज्ञापन। और ये तीन ही प्रश्न आते हैं, परंतु औद्योगिक, स्थानिक और राष्ट्रीय बारे में प्रश्न आपको नहीं आते। बड़े जब आप होंगे तब विज्ञापन आपको करना होगा, तो ये भी इससे भी आपको जाना पड़ेगा। तो विज्ञापन लिखना कैसी कला है, किस तरह से आपको विज्ञापन लिखना है, ये भी आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। जितना अच्छा आप विज्ञापन लिखेंगे, जितना अपना आप विज्ञापन की ये करेंगे, उतने ज्यादा विज्ञापन अच्छा दिखेगा। तो विज्ञापन में तैयार करने के समय ध्यान रखने वाले कौन कौन सी बातें हैं, जैसे विज्ञापन जब आप तैयार करते हैं, जैसे हम कुछ टीवी पे एड देखते हैं, तो कितने मिनट के एड रहते हैं, सिर्फ 30 सेकंड या 40 सेकंड की एड रहती है। उसी 30-40 सेकंड में हमें वो एड वाला इतना ये करता है कि हम वो वस्तु क्या करते हैं, दुकान से खरीदी करते हैं। उस तरह से हमारे भी विज्ञापन जब हम लिखते हैं, तो विज्ञापन इतने शब्द में होना चाहिए, 20 या 25 या 50 शब्दों में विज्ञापन हमें लिखना होना चाहिए। परंतु भाषा और स्वरूप और जो आप शैली लिखते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जो व्यक्ति विज्ञापन पढ़ता है। विज्ञापन हम अभी तक देखे हैं, आप भी टीवी देखते होंगे, टीवी पे विज्ञापन आप एडवर्टाइजमेंट देखे हैं कि एक मिनट से ज्यादा कोई विज्ञापन नहीं रहता है, और उनके शब्द की शैली भी कम रहती है, चित्र की ये भी कम रहती है। तो उसी शब्द और शैली के अनुसार चित्र भी दिखाते हैं, उसी तरह से हम विज्ञापन जब बनाते हैं तो चित्र भी निकालना पेन से बहुत ही जरूरी होता है। शब्द की भाषा भी सीमित होना चाहिए, कला भी अच्छी आना चाहिए, और विज्ञापन देखते वाले भी खुश होना चाहिए। और कुछ हम अलग से सुवचन भी लिख सकते हैं, एक बार पधारो, आपका आने का धन्यवाद, ऐसे कुछ शब्द लिखे तो वो क्या हो जाता है, फोकस गिरता है ग्राहकों पर। तो इस तरह से हमें विज्ञापन लिखना चाहिए कि शब्द सीमा 25 से 50 शब्द तक ही होना चाहिए। विज्ञापन को बॉक्स में प्रयुक्त करना चाहिए, एक जैसे हम कभी भी विज्ञापन देखते हैं तो बॉक्स में ही रहता है, बॉक्स के अंदर में ही हमें अच्छी तरह से शब्दों का विवरण करना चाहिए। कुछ हम डायग्राम निकालते हैं तो उस डायग्राम चौकट निकालते हैं, संज्ञान निकालते, चौकट में ही हमें शब्द निकालना चाहिए और उसको कलरिंग करना चाहिए, तो देखने वाला भी खुश होता है और आप लिखते हैं आपकी कला भी देखने वाला ये होता है। और ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन आप बनाते हैं बड़े होकर, तो जो स्पॉन्सर रहते हैं किसी वस्तु के, वो भी ज्यादा से ज्यादा आपको पैसे देते हैं। तो विज्ञापन को विषय वस्तु स्पष्ट और पूर्ण होनी चाहिए। जब भी आप विज्ञापन लिखते हैं तो विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। जैसे मैं दंत मंजन की आपको विज्ञापन दे रहा हूँ कि एकाधिक कंपनी आई और बोला कि दंत मंजन के बारे में मुझे विज्ञापन तैयार करना है। तो दंत मंजन क्या हो गया, दंत मंजन या टूथपेस्ट, उसका उपयोग क्या होता है कि ब्रश करना। तो हम क्या लिखेंगे, मजबूत दांतों के लिए अच्छा टूथपेस्ट या मंजन, दांत खिलाने कम कर देता है, दुर्गंधी से बचाता है, एक बार लो और देखो इसका उपयोग। तो ये शब्द है, हमें उस दंत मंजन के बारे में, टूथपेस्ट के बारे में बताना है। दंत मंजन या टूथपेस्ट की हमें स्केच निकाल के दिखाना है, पता लिखना है, सब जानकारी लिखना है। उस तरह से हमें विज्ञापन लेखन लिखना है। जो भी वस्तु हमें देते हैं दंत मंजन के बारे में, और कोई वस्तु देते हैं, उस वस्तु के बारे में हमें वैसी जानकारी लिखना होती है, वो कला होती है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन में लुभावने वाले शब्द, धमाका, छोटा पर का भी उल्लेख करना चाहिए। जैसे जैसे नया दुकान खुला है और वो दुकान वाला चाहता होगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा जो विक्रेता ग्राहक है वो ज्यादा से ज्यादा दुकान में आए और मेरी वस्तु ज्यादा से ज्यादा खरीदी होना चाहिए, तो एक बैनर लगा देता है मैं दुकान में। जैसे आप बाजार में जाते तो बैनर लगाता है, धमाका छूट, बरसात का छूट, 5,000 की वस्तु लेने पर आपको 1 किलो शक्कर फ्री। तो उससे क्या होता है, चाय पत्ती फ्री, उससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग फ्री में मिल रहा है, सेल में मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। तो जहाँ पे वस्तु की क्वालिटी कुछ भी रहो, परंतु फ्री ज्यादा से ज्यादा, मैंने अभी तक देखा है कि जो बहना या लेडीज होती है
फ्री छूट धमाका ये शब्द सुनते ही उस दुकान में ज्यादा से ज्यादा भीड़ करती है। तो ये शब्द ही इसीलिए जब हम विज्ञापन ये करते हैं तो छूट धमाका ये जो शब्द हमने लिखे तो वो ज्यादा से ज्यादा उनको लगता है कि नहीं भाई कुछ तो भी दुकान में छूट है हमें सस्ते में मिल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं उस दुकान में जाके उस वस्तु की खरीदी करते थे। शब्द हमें लिखना बहुत ही जरूरी होता है। प्रेरक शब्दों में स्टॉक सीमित एक बार अवश्य खरीदे का उल्लेख भी करना चाहिए। नीचे में हम प्रेरक शब्द लिखना चाहिए स्टॉक सीमित आज के दिन ही ऑफर है एक बार अवश्य खरीदे। ये जो शब्द देखते हैं तो नहीं उनको लगता है कि आज 10 रुपए की छूट मिल रहे तो वो वस्तु हमें उस दिन उसी कीमत में मिलेंगी, इसीलिए लोग क्या करते उस वस्तु को ज्यादा खरीदते हैं। तो ये भी शब्द हमें विज्ञापन लेखन में लिखना जरूरी होता है। प्रेरक शब्द धमाका छूट एक बार अवश्य पधारे आज तक सीमित, तो ये शब्द सुनते ही ज्यादा से ज्यादा उन वस्तु की क्या हो जाएंगी बिक्री हो जाएंगी और ज्यादा से ज्यादा जितने निर्माता निर्माण किया वस्तु का वो ज्यादा से ज्यादा कप होंगे। विज्ञापन के कार्य क्या है? विज्ञापन के कार्य है नवीन वस्तुओं को सेवाओं की सूचना देना। जो नई वस्तु हम बनाते हैं उस वस्तु की हमें क्या करना है सूचना देना है, लोगों को विशेष सूचना देना है, जानकारी बताना है, उस प्रोडक्ट के बारे में महत्व बताना है, क्या आवश्यकता है इस प्रोडक्ट का इस वस्तु का ये भी विज्ञापन के द्वारा हमें बताना है। वैशिष्ट्य आकर्षक ये भी आपको लिखना जरूरी होता है, क्या वैशिष्ट्य है इस वस्तु की, क्या आकर्षण है, धमाका सूट एक बार अवश्य पधारे, पता ईमेल आईडी ये सब जानकारी हमें विज्ञापन लेखन में लिखना होता है। एक शैली है एक कौशल्य, वो देखने वाला देखता नहीं कि क्या ये किया है परंतु शैली और कौशल्य ही देखता है। जब विज्ञापन क्या करता है वो विज्ञापन देखता है उसी तरह से वस्तु की भी क्या करता है खरीदी करता है लेता है। किसी वस्तु की उपयोगिता एवं श्रेष्ठता बताते हुए उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना। कई कई हम एक बार मैं गांव में एक कहानी बताता हूं। गांव में जब बरसात का मौसम आता है और गांव में ज्यादा से ज्यादा लोग खेती का व्यवसाय ज्यादा से ज्यादा लोग करते हैं और लोगों को मालूम नहीं रहता है कि ये जो खेती वाले के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है बरसात का मौसम में जो भी रासायनिक खते औषधे खेती में उपयोग लाने वाले औषधे इसके बारे में अभी भी ग्रामीण भागों के लोगों को जानकारी नहीं रहती है। तो इसके बारे में जो सीड का निर्माण करता है बी बियाने के निर्माण करता है रासायनिक खते का निर्माण करता है या औषध का खेती के बारे में कौन सी औषध ये करना चाहिए इसका निर्माण करता है तो कंपनी वाले कोई विज्ञापन या स्टेटस बनाने वाले को वो जाहिरात देते कि मेरे कंपनी का आप प्रचार करो आपको पैसा दिया जाएगा। तो वो क्या करते हैं एक बड़ी सी ट्रैक्टर या बड़ा सा ऐसा कुछ तो भी वाहन लेके आते हैं और उसमें क्या करते हैं पथनाट्य करते हैं और जहां पे भी ग्रामीण भाग है उनको मालूम है कि ग्रामीण भाग में ज्यादा से ज्यादा लोग जो किसान लोग रहते हैं और किसान लोगों को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो पथनाट्य के द्वारा वो बताते हैं कि ये सीड है, सीड लगाते ही ज्यादा से ज्यादा आपको खेतों से उत्पादन मिलेगा अनाज मिलेगा। तो इस तरह से भी पथनाट्य के द्वारा भी विज्ञापन होता है। आपको मालूम नहीं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि पथनाट्य के द्वारा भी विज्ञापन होता है। जब मैं गांव में रहते तो किसान लोगों को बताने के लिए वैसे भी पथनाट्य द्वारा विज्ञापन बताते कि आप ये कंपनी का सीड लो ये औषध लो और किसान जब आप खेती में लगाएंगे तो आपको दुगना उत्पादन मिलेगा उत्पन्न मिलेगा ऐसे भी विज्ञापन होते हैं। तो उससे क्या होता है लोगों को विश्वास रहता है जानकारी मिलती है और ज्यादा से ज्यादा वो वस्तु क्या करते हैं खरीदते हैं और उपभोक्ता को भी स्मृति को क्या करता है प्रभावित करता है विज्ञापन। विज्ञापन का प्रारूप भी बहुत ईजी है आपको समझ गया है। इसके पहले में भी आपको बोला था कि विज्ञापन का प्रारूप बहुत ईजी है, विज्ञापन किस तरह से हमें लिखना है इसके बारे में भी आपको जानकारी है। सबसे पहले आपको शीर्षक लिखना है, जैसे किसी वस्तु के बारे में आपको शीर्षक बोला है
तो उसी वस्तु के बारे में आपको शीर्षक लिखना है। जैसे अनेक प्रकार के विज्ञापन रहते हैं, उसके बारे में आपको बताना है शीर्षक के बारे में, कि विज्ञापन किस वस्तु के बारे में विज्ञापन किया, उसके बारे में आपको जानकारी देना है। जैसे हम पत्र में शीर्षक लिखते हैं उसी तरह से शीर्षक, जैसे हमारे पाठ में शीर्षक रहता है उसी तरह से शीर्षक आपको विज्ञापन लिखते समय देना है। जैसे मैंने एक बोला कि एक कंपनी के लिए ड्राइवर की आवश्यकता है, तो ड्राइवर बोला तो उसके लिए क्या पात्रता आना चाहिए, कि ड्राइवर को गाड़ी चलाना आना चाहिए, एक महत्वपूर्ण बात होना चाहिए। ड्राइवर के पास में गाड़ी चलाने का परवाना होना चाहिए और उसको अनुभव होना चाहिए। तो ये सब पात्र हम क्या कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। शीर्षक में क्या लिखेंगे, जैसे किसी विज्ञापन के नमूना दिया जाएगा, ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर के लिए इस पते पर, दिए गए पते पर विज्ञापन तैयार कीजिए। तो शीर्षक में हम क्या लिखेंगे, आवश्यकता है एक कुशल अनुभवी कार ड्राइवर की। आवश्यकता है यानी किसी तो भी कंपनी या किसी घर में या किसी जगह में किसी तरी व्यक्ति की पात्रता की आवश्यकता है जो गाड़ी चलाना आना चाहिए। तो उस शीर्षक में हम ऐसा लिखेंगे, जैसे आवश्यकता है हमें चाहिए, तो ऊपर में ऐसा शीर्षक डालेंगे, आवश्यकता है एक कुशल एवं अनुभवी कार ड्राइवर की। ये हो गया व्यक्ति संबंधित विज्ञापन। तो उसके लिए पात्रता क्या रहेगी, पात्रता ऐसा रहेगा कि वो व्यक्ति 10वीं तक पढ़ा हो, उसको कार चलाने का 5 साल का अनुभव हो, उसको और वो कुशल बोलने वाला हो, समझदार हो। इस तरह से हम उस पात्रता के बारे में वैशिष्ट्य डालेंगे लिखेंगे। काम का समय ऐसा भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो क्या कहते ड्राइवर, आपने काम का समय नहीं बोला है तो कब भी आते। तो काम का समय हम लिखेंगे सवेरे 8 से 9 बजे तक। वेतन भी लिखेंगे, जानकारी के लिए 20,000 रुपये वेतन। तो कहाँ पे आवश्यकता है उस स्थल का भी नाम हमें लिखना पड़ेगा, संपर्क करें जो भी स्थल है उस स्थल का नाम हमें लिखना पड़ेगा, भ्रमण ध्वनि क्रमांक लिखना पड़ेगा, ईमेल आईडी हमें लिखना पड़ेगा। तो उस पते पे आकर जो भी पात्र व्यक्ति उनसे क्या कर सकेगा, मिल सकेगा। इस तरह से हमें व्यक्ति संबंधी विज्ञापन भी लिख सकते हैं। कोई ऐसे विज्ञापन रहते हैं वस्तु संबंधी विज्ञापन, जैसे शीर्षक, सुवचन शब्द, सुहावने शब्द, जैसे आपने बोला था, मैंने सुहावने शब्द बोला था, एक बार पधारे, छूट, धमाका, इस तरह से, और उस वस्तु के शीर्षक, रंग बिरंगे छतरी, जो भी आपको वस्तु का शीर्षक दिया है उस वस्तु का हमें जानकारी अच्छी तरह से लिखना होता है। और जब आप विज्ञापन लिखते हैं तो उस वस्तु का हमें डायग्राम भी निकालना, चित्र भी निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चित्र निकालेंगे तो लोगों को मालूम होगा कि इस वस्तु है। और बाद में आता है विज्ञापन वस्तु की विशेषता है, क्या वस्तु की विशेषता है, वो भी लिखना बहुत ही जरूरी होता है। और बाद में आपको पता, शीर्षक, वस्तु विषय और पता और ईमेल आईडी लिखना महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह से चौकट में आप विज्ञापन लिख सकते हैं, बहुत ही इजी है। 3 ही प्रकार के विज्ञापन आते हैं, और आपको ध्यान में आ गया वस्तु के लिए, जैसे शैम्पू है, तेल है, साबुन है, इसके बारे में विज्ञापन आता है, छतरी, इसके बारे में विज्ञापन आप लिख सकते हैं। व्यक्ति संबंधित विज्ञापन बोला तो किसी जगह के लिए कुछ जगह है, किस कंपनी में, कुछ संस्था में जगह है, और वो संस्थापक क्या कर रहा है, लोगों को चाहिए उस पात्रता के अनुसार उस कंपनी में नौकरी चाहिए, तो वो उस पात्र लिखते हैं और हम उसमें क्या कर सकते हैं, विज्ञापन में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा होता है स्थान संबंधी, कहीं खेती बेचना है, कहीं घर बेचना है, कोई जगह बेचना है बड़ी बड़ी, इसके संबंधी भी हमें विज्ञापन पूछे जाते हैं। ये 3 ही प्रश्न परीक्षा के लिए पूछे जाते हैं, और प्रारूप उसका यही होता है जैसे मैंने आपको बोला था। ध्यान में रखना है, पात्रता संबंधी बोला तो इंजीनियर की पात्रता होंगी, तो इंजीनियर की पात्रता आपको विज्ञापन में लिखना है।
टीचर की पात्रता बोला तो टीचर की पात्रता आपको उसमें लिखना है, किसी ड्राइवर की पात्रता बोला तो ड्राइवर की पात्रता आपको उसमें लिखना है, जिस संस्था ने जो पात्रता बोली वही पात्रता आपको लिखना है, अनुभव लिखना है, समय लिखना है, वेतन लिखना है, स्थान लिखना है, ये बात आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वस्तु संबंधी में उसकी विशेषताएं लिखना है, धमाका लिखना है, सुहाने वाले शब्द लिखना है, चित्र निकालना है और पता लिखना है। बहुत इजी है, यही प्रारूप है, इसी तरह से आपको विज्ञापन लिखना होता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उस तरह से आपका अनुभव बढ़ेगा और आप अच्छी तरह से विज्ञापन लिखेंगे। और आपकी किताबों में भी दिया है कि कुछ विज्ञापन के विषय दिया है, उस विज्ञापन के विषय समझो और आप 2-3 विज्ञापन लिखो बनाओ, आपको अच्छी तरह से अनुभव आ जाएगा कि विज्ञापन हमें किस तरह से लिखना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपको विज्ञापन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलेगी। तो कुछ विज्ञापन ऐसे भी आते हैं, राष्ट्रीय जनसंचार माध्यम माहिती मंत्रालय, जो कुछ पेंडेमिक सिचुएशन ऐसी आपत्ति सिचुएशन आती है उस टाइम सरकार को भी विज्ञापन देना, सूचना देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि लोग उस विज्ञापन पढ़ के सुरक्षित रहे और अपनी आन बान जान की क्या करे, सुरक्षा करे। हमारा शरीर अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहेंगे तो आगे जिंदगी भी हम अच्छी तरह से खुशहाली से जिएंगे। तो ऐसे कुछ भी पेंडेमिक सिचुएशन में जब आपत्ति आते है तो उस सिचुएशन में भी सरकार हमारे लिए कुछ सूचना देते है। जैसे अभी पेंडेमिक सिचुएशन आई थी कोरोना वायरस, तो उसके बारे में भी किस तरह से हमें विज्ञापन लिखना है वो जानकारी दी है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के लिए विज्ञापन। तो कोरोना क्या है, कोरोना वायरस को हराना है, इस तरह से हमें शीर्षक लिखना है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने से सबसे कारगर उपाय, कौन कौन से कारगर उपाय है, जो है हाथों को बार बार साबुन से धोए या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, खांसते या सीखते समय डिस्पोजेबल टिश्यू का इस्तेमाल करें, इस्तेमाल के लिए टिश्यू को ढककर कूड़ेदान में फेंक दे, टिश्यू नहीं है तो छाकते या खांसते समय अपने हाथों का इस्तेमाल करें, बिना हाथ धोए अपने आंखें नाक और मुंह को न छुए। हमें बीमार से नहीं बीमारी से लड़ना है। और आगे जो चित्र दिया है इस तरह से हमें चित्र भी ये करना है, इस यही शब्द में इस तरह से इस प्रारूप से ही हमें विज्ञापन लिखना होता है। जैसे कुछ पात्रता दी है, पात्रता के अनुसार ही हमें विज्ञापन लिखना होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि पात्रता के अनुसार पाइजे उस तरह से हमें विज्ञापन लिखना होता है, उसी तरह से पात्रता दिए रहते प्रारूप दिए रहते प्रारूप के अनुसार हमें विज्ञापन लिखने होते हैं। और कुछ विज्ञापन के प्रकार है, जल बचाओ, जल 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 बचाओ, जीवन बचाओ, जल का महत्व क्या है, हमें जो वस्तु स्थिति हमें दिखते है उसमें थोड़ा सा तर्क लगाना है और उसी वस्तु स्थिति के अनुसार हमें विज्ञापन तैयार करना होता है, उसी प्रारूप के अनुसार हमें विज्ञापन तैयार करना होता है। आगे भी है, जैसे कुछ ये दिया है रक्षक हेलमेट, ये हो गया वस्तु संबंधी विज्ञापन। रक्षक हेलमेट जैसे हम इस तरह से हमें चित्र निकालना है, कुछ धमाकेदार शब्द लिखना है, धमाका धमाका, उसमें हमें इस तरह से डायग्राम बनाना है। शीर्षक दिया है रक्षक हेलमेट, मजबूत आकर्षण रंग एवं डिजाइन, 15 तक की छूट, स्टॉक सीमित, एक बार अवश्य पधारे, नीचे में पता जानकारी हमें लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, इस तरह की जानकारी हमें लिखना है, सरल और सादे शब्द में हमें लिखना है। तो ज्यादा से ज्यादा हम सरल और सादे शब्द में लिखेंगे, विज्ञापन अच्छी तरह से बनाएंगे तो लोग भी ललचाएंगे और वस्तु की ज्यादा से ज्यादा क्या होंगी, बिक्री होगी। विज्ञापन एक कला है और आपको ये कला समझ में आई गई होंगी, प्रारूप भी समझ में आ गए होंगे और आप ज्यादा से ज्यादा जो न्यूज़पेपर आते हैं उसमें देखो कि विज्ञापन किस तरह से बनाते हैं, कैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से लिखते हैं, चित्र किस तरह से दिखाते हैं, कि कौन से बाजू में ये करते हैं, पता किस तरह से लिखना होता है, ये सभी आपको जानकारी रखना है। बहुत ही सरल है और 5 में से 5 अंक आप आराम से विज्ञापन लेखन में ला पाएंगे। तो आशा है कि आपको विज्ञापन लेखन, जो हम इसे हिंदी में कहते हैं जाहिरात लेखन, इसे मराठी में कहते हैं एडवर्टाइजमेंट, इंग्लिश में कहते हैं, आपको